एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन हाल ही में अपने और चारू असोपा के तलाक को लेकर सुर्खियों में थे कि अब वो बिग बॉस 14 को लेकर भी चर्चा में आ गए। जी हाँ, राजीव सेन ने बताया कि उन्हें बिग बॉस 14 का ऑफर आया है। अब हैरानी वाली बात तो यह है कि चारू को डर सता रहा है कि राजीव की वो हरकतें सबके सामने खुलकर ना आ जाएं, जिनके बारे में सिर्फ वही जानती हैं, और उनकी हरकतों की वजह से उनका तलाक भी हो रहा है। जी हाँ, राजीव ने बताया था कि ऐसा शख्स है जो चारू का माइंड वॉश कर रहा है, मतलब किसी तीसरे इंसान की वजह से चारू परेशान रहने लगी थी और उन्होंने राजीव से दूरियां बना ली थी। हाल ही में चारू और राजीव के रिश्ते की ऐसी अनबन की खबरें आने लगी थी कि हर कोई उनके तलाक की आशंका जताने लगा था। जहाँ चारू ने अपना सरनेम बदल लिया था, तो वहीं राजीव दिल्ली रहने लगे थे। हालांकि बाद में चारू ने राजीव से वीडियो कॉल करके ये साबित कर दिया कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन राजीव के बिग बॉस की खबर से चारू डरी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चारू किस बात को छिपा रही है जिसकी वजह से वो राजीव को बिग बॉस भेजना नहीं चाहती है। वही बिग बॉस की बात करें तो इस बार बिग बॉस 14 की टाइमिंग, प्रीमियर डेट, कंटेस्टेंट के नाम और शो के थीम परफॉर्मेंस को जानने के लिए फैंस काफी बेताब है। शो के लिए कई स्लैब्स को अप्रोच किया जा चुका है, जिसमें राजीव के अलावा निया और एक्टर विवियन डिसेना का नाम भी शामिल है। बिग बॉस 14 की थीम बेहद स्पेशल होगी। शो में लॉकडाउन कनेक्शन देखने को मिल सकता है। शो में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा। बिग बॉस 14 की टैगलाइन बिग बॉस 14 लॉकडाउन एडिशन हो सकती है। इसके अलावा पहली बार बिग बॉस 14 के अंदर कंटेस्टेंट को फोन ले जाने दिया जा रहा है। तो बिग बॉस 14 को लेकर आप भी कमेंट करें। मेलम न्यूज रिपोर्ट।